दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोग करोड़ों रुपया म्यूचुअल फंड से कैसे कमाते हैं। इसके लिए एक मैंने फार्मूला अपनाया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे और उसको समझेंगे तो आप भी वो चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले तीन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला है पेशेंस। पेशेंस रखिए, इन्वेस्टमेंट करिए एंड बिलीव करिए। मतलब इन्वेस्ट करिए, बिलीव करिए एंड पेशेंस रखिए। ये तीन चीज़ पे फॉलो करिएगा ज़रूर। ये मेरा रूल्स है जो मैं लोगों को बताता हूँ जो मुझसे लोग पूछते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि आपको करना क्या है भाई, 1 करोड़ रुपये हम कैसे कमा सकते हैं, लोग पूछते हैं जैसे मुझसे। तो मैंने एक फार्मूला अपनाया है कि अगर 15,000 रुपये की SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में और 15 साल के लिए करते हैं और अगर उस पर 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो वो 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। आप किसी भी कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 27 लाख का होगा। आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो 27 लाख का करोगे और आप जो अर्न करोगे टोटल 1 करोड़, मतलब आपको लगभग काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा, 3 गुना से ज़्यादा। ठीक है, तो बस उसमें तीन ही चीज़ फॉलो करनी है, इन्वेस्टमेंट, पेशेंस एंड बिलीव। वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी और ये सिंपल फार्मूला है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा घटा सकते हैं और जो रही अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात, भी 15% ही क्यों मिलेगा, तो 30-35 साल से मार्केट चल रहा है, इतना आया हुआ है। अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे और टाइमली उसे फॉलो करेंगे, अगर कोई फंड अच्छा नहीं चल रहा है, साल 2 साल आपने देखा या क्वार्टरली आप वॉच करिए, सबसे बड़ी बात होती है क्वार्टरली वॉच करिए। कुछ क्वार्टर अच्छे नहीं चले तो आप उसको स्टॉप करके उसमें से मनी मत निकालिए, उसको स्टॉप करके देन उसमें दूसरे फंड में स्विच कर लीजिए जो अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा आपको ये पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो अगर आपने ये कर लिया तो ये तय बात है कि इतने पैसे आप, अब देखिए ये कैलकुलेटर है, इसमें हमने 15,000 रुपये डाले 15 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 सेलेक्ट किया तो ये हमारा आया लगभग 27 लाख रुपये। इन्वेस्टमेंट हमने किया 1 करोड़ 1 लाख रुपये के आसपास, मतलब वही लमसम 1 करोड़ मान लें, तो इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ 27 लाख, एप्रिसिएशन हमें मिला 74.5 लाख का, तो टोटल रिटर्न लगभग 1 करोड़ के आसपास आया। तो इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा कुछ अच्छे स्टॉक है। आगे मैं एक चीज़ और समझाने का, ऐसी अगर आपके पास समय ज़्यादा है, अगर आप कम एज के हो, समय ज़्यादा का मतलब कम एज के हैं जैसे 25 साल के हैं, तो अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा पैसे कमा रहे हैं, तो 15,000 रुपये 30 साल के लिए लगा देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 ही मिलेगा तो वो लगभग 10 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चाहे 500 रुपये करिए या 15,000 रुपये करिए, जितना अर्ली एज हो उतना ही जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको रिटर्न भी अच्छे मिलने की संभावना रहेगी और अच्छा रिटर्न मिलना ही मिलना है। बस अपना गोल सेट कर लीजिए थोड़ा सा कि 15 साल करना है कि 20 साल करना है कि 30 साल करना है, किस चीज़ के लिए करना है, एजुकेशन के लिए करना है, मैरिज के लिए करना है, रिटायरमेंट के लिए करना है, चाइल्ड बच्चों की एजुकेशन के लिए करना है, किसके चीज़ के लिए करना है, ये थोड़ा सा गोल सेट कर लीजिए, मनी निकालिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। बस कीप इन्वेस्टिंग ओनली, यही फार्मूला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, आप बस थोड़े से अच्छे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लीजिए। और आगे एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा आपको जो लगातार अच्छा रिटर्न लगभग दे रहे हैं, एटलीस्ट 15% को तो वो BT कर रहे हैं। ठीक है ना, बस एक बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, टाइम हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, 10 साल, 15 साल, 25 साल, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियो में और ये ज़रूरी भी है। ये देखिए इसमें कैलकुलेट करके भी मैंने दिखाया है, 15,000 रुपये 30 ईयर्स इन्वेस्टमेंट, 30 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, देन ये लगभग 1 करोड़ के आसपास आया है, 54 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट रहेगा, 54 लाख, सॉरी 10 करोड़ आएगा, 54 लाख इन्वेस्टमेंट एंड 10 करोड़ इनकम। बट ये 30 ईयर्स है तो वही चीज़ अपनानी है, टाइम ड्यूरेशन आपको देना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट करिए एंड लॉन्ग टर्म होराइज़न रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए। आप कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे फेसबुक पे मेरे पेज पे जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो या यूट्यूब पे पूछ सकते हो। और आने वाले समय में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि किन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कम से कम 15 से 18% रिटर्न आ जाए।
जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड लेने से पहले एक बार उसको पढ़ लें और फिर साइन करें। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपने सुझाव या कमेंट्स मुझे वो बता सकते हैं, यूट्यूब पे या फेसबुक पे बता सकते हैं, और मेरे पेज को शेयर भी कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छा लगा हो जैसे भी कमेंट्स में बताइए, जिससे कि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।